नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का फटाफट खबरों में। ललितपुर में तेज रफ्तार का कहर उस वक्त देखने को मिला जब ट्रक ने बाइक सवार तीन व्यक्तियों को रौंदा। मौके पर तीनों की मौत हो गई तो वहीं पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नरी के 2 साल पूरे होने पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर पुलिस कमिश्नरी के आला अधिकारियों के साथ पुलिस कर्मियों ने कार्यक्रम के दौरान अपने जौहर का प्रदर्शन करते हुए अपनी जाबाजी दिखाई। इस कार्यक्रम में कानपुर अग्निशमन दल इसी के साथ ही डॉग स्क्वाड, आपराधिक वैज्ञानिक शोध दल इसी के साथ ही घुड़सवार पुलिस के साथ डायल 112 की टीम ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहीं कानपुर सांसद सत्यदेव पचौरी समेत तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अमरोहा के डिडोली गांव में हाईवे पर ही पीड़ित की मोबाइल बेचने और इसी के साथ ही सही करने की दुकान है, जिसमें हर समय महंगे मोबाइल रखे रहते हैं। पीड़ित युवक के अनुसार 25 मार्च की रात को किसी समय अज्ञात चोरों ने शटर काटकर लगभग 2.5 लाख रुपए के नए पुराने मोबाइल चुरा लिए, जिसकी तहरीर थाना डिडोली में दी गई है। तो वहीं युवक का आरोप है कि अभी तक मेरी तहरीर नहीं लिखी गई है। कानपुर में दबंगों का तांडव देखने को मिला है। वहीं बीच सड़क पर दबंगों ने 2 युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। वहीं दबंगों ने लाठी डंडे और इसी के साथ ही ईंट पत्थर से युवकों को लहूलुहान कर दिया। वहीं इस मामले में पुलिस की कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं निकल कर आई है। आगरा के थाना ताजगंज पुलिस ने 6 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है, जो ऐसे मकानों की रेखी करते थे जिन पर ताला लगा रहता था और उन मकानों में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। आगरा ताजगंज और इसी के साथ ही सदर क्षेत्र में इन चोरों ने करीब 1.5 दर्जन चोरी को वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी, लाखों रुपए की कीमत की ज्वेलरी बरामद की है। पुलिस इन चोरों की टोली को अब तक जेल भेज रही है। लखीमपुर खीरी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 38 छात्र कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं मौके पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम विद्यालय में मौजूद थी। इस दौरान कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में 92 सैंपल लिए गए थे, जिनमें 38 छात्राएं पॉजिटिव पाए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच नेपाल के दांग जिले से पीर रतननाथ योगी की शोभा यात्रा परंपरागत ढंग से पैदल देवीपाटन मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी पैदल शामिल हुए और देवीपाटन शक्तिपीठ पहुंचे। इस दौरान यात्रा लगभग 130 किलोमीटर पैदल चली। यात्रा के दौरान जगह जगह पहले से निर्धारित पड़ावों पर स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने माँ पाटेश्वरी के अनन्य भक्त पीर रतननाथन और इसी के साथ ही उनके प्रति आस्था व्यक्त करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पूजा अर्चना की। बलरामपुर के हरैया सातघरवा थाना क्षेत्र के पूरनपुर गांव में एक झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पड़ोस के 10 लोगों की झोपड़ी को भी अपने आगोश में ले लिया। ग्राम प्रधान अक्षय कुमार वर्मा ने फायर ब्रिगेड और इसी के साथ ही स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड पुलिस टीम और ग्रामीणों के सहयोग से अन्य घरों को जलने से किसी तरह से बचाया गया, जिसके बाद लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जल्द ही अग्निकांड पीड़ितों को सहायता राशि दिलाई जाएगी। बहराइच में युवक का अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला रेतकर हत्या का मामला सामने निकल कर आया है। वही मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक बहराइच और इसी के साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बहराइच ने टीम गठित कर घटना के अनावरण किया। इस दौरान एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता ने बताया कि आरोपी का 2.5 साल का लड़का सत्यम अक्सर मानसिक रूप से बीमार रहता है और कभी बेहोश भी हो जाता है। मेरे द्वारा काफी इलाज कराया गया, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ, तो वही रात्रि के झांसे में आकर हमने युवक की हत्या की। महाराजगंज के निचलौल थाने के दरोगा द्वारा एक युवक को थप्पड़ और इसी के साथ ही जूते से मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निचलौल थाने पर तैनात दरोगा अख्तर आलम ने थाना परिसर में ही फरियादियों के सामने ही अपना आपा खोते हुए एक युवक की थप्पड़ और इसी के साथ ही लात से पिटाई कर दी। वहीं निचलौल थाने के दरोगा के आक्रामक तेवर से फरियादी सहम गए। दरअसल जब निचलौल थाने परिसर में फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए दरोगा बैठे हुए थे और दोनों पक्षों की बात सुन रहे थे, तभी दरोगा ने अपना आपा खोते हुए एक युवक की थप्पड़ और इसी के साथ ही लात से पिटाई कर दी। वहीं पिटाई का ये वीडियो किसी ने बना लिया और उसको वायरल कर दिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने दरोगा को लाइन हाजिर करते हुए विभागीय जांच के निर्देश दे दिए। बदायूं में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिलाने के नाम पर प्रधान पर 10,000 रुपए लेने का आरोप लगाया गया है। वहीं आरोप है कि पैसे न देने पर बुजुर्ग दंपति को जमकर पीटा भी गया। पीड़ित परिवार ने बिसौली कोतवाली में तहरीर देकर दबंग प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बहराइच में आकस्मिक पशु चिकित्सा सेवाओं को टोल फ्री नंबर 1962 के माध्यम से पशुपालकों को सौगात के रूप में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, आपको बता दें कि एस्टेब्लिशमेंट एंड स्ट्रेलिंग ऑफ वेटनरी हॉस्पिटल इसी के साथ ही डिस्पेंसरी के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ स्थित 5 कालिदास मार्ग से मोबाइल वेटनरी यूनिट का शुभारंभ और फ्लैग ऑफ किया गया। वहीं मौके पर MLC डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी समेत तमाम लोग मौजूद रहे।
मेरठ जोन के एडीजी राजीव सभरवाल के द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सहारनपुर में सलामी ग्रहण करने के बाद नवनिर्मित जिला प्रशिक्षण इकाई का उद्घाटन किया गया और डीआईजी एसएसपी और पुलिसकर्मियों के साथ गोष्ठी भी की गई। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने यह बताया कि पूरी तरह से स्मार्ट क्लासरूम बनाया गया है जहाँ पुलिसकर्मी का प्रशिक्षण किया जाएगा। सहारनपुर में मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज के प्रति जागरूकता को लेकर हकीकत नगर स्थित थाना स्थल पर एक मेले का आयोजन किया गया। मेले को शुभारंभ राज्य मंत्री आपको बता दें कि कुंवर ब्रजेश सिंह के द्वारा किया गया। पवन कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर 2023 घोषित किया गया है, उसी को देखते हुए मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सहारनपुर में एक मेले का आयोजन किया गया है ताकि मोटे अनाज के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके और लोगों को मोटे अनाज के फायदे और जंक फूड के नुकसान के बारे में बताया जा सके। झांसी में सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर विकास कार्यों की समीक्षा करने आई झांसी की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य से मिलने पहुंचे जिले के एक बड़े अधिकारी ने पहले तो उन्हें फूल भेंट कर अभिवादन किया, उसके बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। ये पूरा घटनाक्रम वहां मौजूद एक व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया जो पूरे शहर में चर्चाओं के बाद वायरल हो रहा है। इधर अधिकारी द्वारा मंत्री के पैर छूने से साफ इनकार किया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ अभिवादन किया है, पैर नहीं छुए। पैर छूकर अभिवादन के मामले को शिष्टाचार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सरकारी सेवा नियमावली में किसी भी जनप्रतिनिधि के पैर छूने का कोई नियम नहीं है। झांसी स्थित आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में राष्ट्र सेवा योजना शिविर के अंतर्गत बौद्धिक सत्र में सड़क सुरक्षा विषयक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें आर्य कन्या डिग्री कॉलेज की पूर्व छात्र संघ का अध्यक्ष इसी के साथ ही ट्रैफिक वार्डन यातायात पुलिस सड़क सुरक्षा समिति की सदस्य श्रुति प्रगति शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची, जहां पर आपको बता दें कि छात्राओं को सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारियां विस्तार से देकर बताया गया। अमेठी में सारस के दोस्त आरिफ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल वन विभाग ने आरिफ को नोटिस जारी किया है जिसको लेकर अमेठी के शासकीय अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि आरिफ और सारस की दोस्ती जायज है लेकिन इसका व्यवसायीकरण करना गलत है। वन्य जीवों की मदद करना हमारा धर्म है लेकिन उनका इस्तेमाल करना गलत है। इसकी जाँच होनी चाहिए और जो संपत्ति अर्जित की गई है उसकी रिकवरी करनी चाहिए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं। अलीगढ़ में लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसको लेकर पुलिस ने 5 अभियुक्तों को नगर निगम के पास से पर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के से लूट के उपयोग की हुई बाइक, लूटा हुआ मोबाइल और नकद बरामद हुआ है। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। बलरामपुर में स्थित सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग से सटे गांव में अक्सर वन्यजीव और इसी के साथ ही मानव के संघर्ष देखने को मिलता है। यहां के बनकटवा रेंज के अंतर्गत धर्मपुर गांव के पास बबलू शुक्ला अपने खेत की ओर जा रहे थे तभी गांव के पश्चिम दिशा में गेहूं के खेत में घात लगाए बैठा तेंदुआ हमला कर दिया। इस हमले में बबलू गंभीर रूप से घायल हो गए तो वहीं जानकारी मिलने पर परिजनों ने घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरा के ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल बलरामपुर के लिए उन्हें रेफर कर दिया। दूसरी तरफ घटनास्थल पर गांव के लोगों ने शोर मचाते हुए तेंदुए को गेहूं के खेत में चिप गया। सूचना पर वन विभाग दल बल के साथ पहुंचे और उपस्थित लोगों को घटनास्थल से हटने के लिए कहा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की टीम ने तेंदुआ पकड़ने के लिए कोई कवायद नहीं की, केवल सभी लोगों को घटनास्थल से हट जाने के लिए कहा गया है। अयोध्या शहर के राजकीय महिला विद्यालय में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा करीब 100 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद लल्लू सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रोनी सिंह, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण की उपनिदेशक अनुपमा मौर्य शामिल हुए। इस दौरान सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए बहुत से कार्य कर रही है और उसी कड़ी में आज दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा 100 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड साइकिल देने का काम किया गया है। इसके साथ साथ दिव्यांगजनों को 1,000 प्रति माह पेंशन और स्वरोजगार के लिए 20,000 की सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। बिजनौर में नाबालिग छात्रा से जबरन दुष्कर्म का पड़ोसियों पर आरोप लगा है। आरोप है कि कार में लिफ्ट के बहाने सुनसान इलाके में रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है तो वहीं पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है। मामला नगीना के पुरानी हाईवे का है। पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र के नहर पुल के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रोली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी जिससे कि एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया जिसको आनंद फानन में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। इसका उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक अमरिया खरीदनी करने आए थे और इसी के साथ ही घर वापस लौट रहे थे तब यह हादसा हुआ। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही ट्रैक्टर ट्रोली को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है।
महिला सशक्तिकरण रैली लखनऊ से चलकर आगरा पहुंची, ये रैली नोएडा तक जाएगी। अभी रैली इटावा से 120 किलोमीटर का सफर तय कर आगरा पहुंची है। स्कूटर पर सवार होकर करीब 40 महिला आरक्षियों की टोली आगरा पहुंची, जिनका स्वागत आगरा कमिश्नरेट पुलिस ने किया। बिजनौर में वन चौकीदार की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल अज्ञात बदमाशों ने वन चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। मृतक दो दिनों से गायब था। मामला हिमपुर दीपा के फैजीपुर खादर जंगल का है। फरुखाबाद में रेलवे स्टेशन पर नमाज अता होने पर हिंदू महासभा ने बवाल किया, जिसको लेकर हिंदू महासभा के करीब आधा सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रेलवे अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। हिंदू महासभा सार्वजनिक जगह पर नमाज अता करने पर कार्रवाई की मांग कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 31 मार्च को अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं ऋषिकुल मैदान में सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरिद्वार पहुंचे प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने ऋषिकुल मैदान में अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए निर्देश दिए। कार्यक्रम में करीब 10,000 लोग जमा होंगे, जिसके लिए सुरक्षा के इंतजाम भी चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। वहीं अमित शाह पतंजलि योगपीठ पहुंचकर स्वामी रामदेव से मुलाकात भी कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में जोरदार प्रदर्शन किया। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करने का प्रयास किया, तो वहीं पहले से ही मौजूद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गाड़ियों में भरकर रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन ले गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर जनविरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा सरकार की तानाशाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होती है, तब तक किसी तरह सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। रमजान और नवरात्रि व्रत शुरू होने के बाद प्रशासन खाद्य सामग्री की जांच में जुट चुका है, जिसके चलते रविवार को जॉइंट मजिस्ट्रेट रुकी ने मंगलौर कस्बे में पहुंचकर होटल और किराना की दुकानों पर खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया। जॉइंट मजिस्ट्रेट के निरीक्षण के दौरान अधिकतर दुकानदार अपनी दुकानों पर ताला लगाकर गायब हो गए। जॉइंट कमिश्नरेट अभिनव शाह ने ये बताया कि आगामी त्यौहार को लेकर बाजारों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे खाद्य सामग्रियों में किसी तरह की हेराफेरी ना हो। इसके साथ ही कुट्टू को आटा रखने वाले दुकानदारों का भी निरीक्षण किया गया। सितारगंज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत तीनों मंडल अध्यक्ष शक्ति केंद्रों के संयोजक बूथ अध्यक्ष के साथ ही महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग का शुभारंभ वंदे मातरम के साथ ही दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक भाजपा की जन कल्याणी नीति को आमजन तक पहुंचाए। बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, तराई विकास सहकारी संघ अध्यक्ष गोपाल बोरा का भाजपा पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त होने से आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काशिकपुर में गांधी प्रतिमा के समक्ष आम आदमी पार्टी और इसी के साथ ही बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संकल्प सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन कर मोदी सरकार के खिलाफ इनकार भरी। सत्याग्रह कार्यक्रम में जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए उसे तानाशाह करार दिया, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हिटलर शाही का विरोध अब सबको एक मंच पर आकर करना होगा। लखनऊ में आज 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का प्रदर्शन के बाद मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव भी किया गया। यमुनोत्री मंदिर समिति ने पंचांग गणना पश्चात कपाट खुलने की विधिवत घोषणा की। यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया शनिवार 22 अप्रैल को दिन में 12:41 पर खुलेंगे। पौड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 99 एपिसोड के संबोधन का सीधा प्रसारण सुना और देखा भी। इस दौरान कार्यकर्ताओं का कहना था कि नरेंद्र मोदी देश के विकास को लेकर एक प्रेरणा स्रोत है। श्रावस्ती में नहर में नहाते समय 4 लोगों के डूबने का मामला सामने आया है, जिसमें 2 लोगों को बचाया गया तो वहीं 2 किशोर लापता है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से किशोर की तलाश की जा रही है। बलरामपुर में विवाहिता ने ससुराल में छत के कुंडे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मुस्लिम समुदाय का 24 वर्षीय युवक एक 11 साल की हिंदू बच्ची को अकेला देख मौके का फायदा उठाकर उसकी मां के गैर मौजूदगी में बहला फुसलाकर खेतों में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म की शिकार हो रही बच्ची के चुनाने की आवाज पर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को दुष्कर्म करते हुए रंगे हाथों मौके से पकड़ लिया, जिसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं परिजन आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिनेशपुर में बांग्ला संस्कृति की संवर्धन और उन्नयन
कैसे हो, इस पर समाज के बंगाली समाज के बुद्धजनों द्वारा वैचारिक मंथन कर आगामी कार्य योजना तैयार की गई। समाज की कला सांस्कृतिक उत्थान के लिए शक्ति फार्म, इसी के साथ ही रुद्रपुर और दिनेशपुर की प्रबुद्धजनों के साथ बैठक की गई। इस दौरान बंगाली नेता प्रकाश अधिकारी ने कहा कि बांग्ला संस्कृति हमारी पहचान है और इस पर संगठित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है ताकि एक मंच तैयार किया जा सके। दिनेशपुर में दुर्गा मंदिर में महिला संगठन के द्वारा बेल वृक्ष की पूजा एवं गंगा पूजन के बाद देवी बसंती पूजा की शुरुआत की गई है। तो वहीं बसंती पूजा दुर्गा पूजा की तरह ही की जाती है, जहां महिला संगठनों के द्वारा दुर्गा मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। बांदा में पहाड़ पर अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पहाड़ का तोड़ने का काम जल्द नहीं रोका गया तो हम आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करेंगे।